तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में सी होप 300 mg कैप्सूल्स के बारे में, जानेंगे इसकी डोज के बारे में कि भाई कहाँ चलता है, कितना समय तक लेना पड़ता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, किस तरह से लिया जाता है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं, सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सी होप एक ब्रांड आता है कोरोना कंपनी का। सी होप 100 mg, 200 mg, 300 mg और 400 mg कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और 200 mg, 300 mg, 400 mg टेबलेट फॉर्म में भी आता है। सस्टेन रिलीज टेबलेट आती है। तो कैप्सूल और टेबलेट एक ही होता है, दोनों के अंदर प्रोजेस्टेरोन सॉल्ट आता है। प्रोजेस्टेरोन के बारे में अगर आप समझ गए तो टेबलेट हो या कैप्सूल हो दोनों ही समझ जाओगे। तो दोनों का काम एक ही होता है, बस मॉलिक्यूल अलग अलग होता है, यानी वो टेबलेट फॉर्म में है या कैप्सूल फॉर्म में है। अच्छा, टेबलेट फॉर्म जो होती है ना वो सस्टेन रिलीज होती है, उसकी डोज कम होती है और काफ़ी देर तक बॉडी में असर रहता है, तो महंगी बहुत ज़्यादा आती है, यानी कैप्सूल से डबल आता है रेट उसका। और जो कैप्सूल आता है ना ये सॉफ्ट जिलेटेड कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल का एक एडवांटेज होता है टेबलेट के मुकाबले, भाई टेबलेट जो होती है ना वो सिर्फ ओरली ही ले सकते हैं आप, लेकिन जो कैप्सूल होता है ना दोस्तों ये ओरली भी ले सकते हैं और वेजाइना के अंदर आप एप्लीकेटर के थ्रू रख भी सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? तो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक हार्मोन होता है जो महिला के अंदर बनता है, और इसके अंदर जो कैप्सूल है ना ये भी प्रोजेस्टेरोन ही है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन आता है 100 mg, 200 mg, 300 mg और 400 mg में। जब ये प्रोजेस्टेरोन बाहर से कैप्सूल के फॉर्म में जब देते हैं तो महिलाओं में क्या कि कई तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा सर घूमता है, नोजिया रहता है पूरे दिन भर, तो बहुत परेशान करता है, इसलिए ये विजाइना के अंदर रखने का ऑप्शन भी आता है। अगर आपको ओरली लेने में साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप विजाइना के अंदर रख सकते हैं, वैसे ही काम करता है जैसे कि ओरली करता है, कोई डिफरेंस नहीं है काम करने में, तो यही ऑप्शन होता है। अब फटाफट समझते हैं भाई कहाँ काम आएगा। तो जैसा मैंने कहा इसके अंदर आता है प्रोजेस्टेरोन 300 mg में। तो दोस्तों महिलाओं के अंदर एक ये चलता है और कोई इसका यूज़ ना करे। अच्छा, महिलाओं में ना दो तरीके के हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन, पहला आता है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है इन, तो वहाँ पर उसको रिप्लेस किया जाता है कैप्सूल फॉर्म से। अच्छा, उसके कारण ना महिलाओं में कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वुमन इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या हो सकती है उसके कारण, यानी बच्चा नहीं लगता, जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते, एग नहीं बन पाता गर्भाशय में, तो बच्चा अगर नहीं लग रहा है इसका मतलब वुमन इनफर्टिलिटी हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है। तो बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए भी कैप्सूल दिया जाता है कुछ मंथ तक। इनके अलावा दोस्तों मिसगैरेजिंग की प्रॉब्लम में अगर बच्चा समय से पहले ही निकल जाता है या पहले ऐसा हो चुका है कि बच्चा लगने के बाद निकल गया है, तो बच्चे की सुरक्षा कवच को ये बढ़ा देता है, उसकी मोटाई को बढ़ा देता है, जिससे कि बच्चा नहीं निकलता और समय पूरा लेके आता है, तो बच्चे के लिए ये अच्छा होता है, मिसगैरेजिंग ना हो जाए इसके लिए दिया जाता है, गर्भपात ना हो जाए। इनके अलावा दोस्तों ये पीरियड्स रेगुलर करने के भी दिया जाता है। अगर महिलाओं पीरियड रेगुलर नहीं है, आगे पीछे आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, पहले ही आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है जब आते हैं, तो वहाँ पर इम्बेलेंसी में चलता है, हार्मोनल इम्बेलेंसी में दिया जाता है। और भी कई तरीके की प्रॉब्लम में ये काम आ सकता है। अब बात करते हैं भाई कितना दिन चलेगा, किसकी क्या डोज होगी। तो भैया देखिए अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है, जितना उन्होंने कहा है वो सबसे बेस्ट होता है। और कितना दिन चलेगा तो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग देखा जाता है, और डोज भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि वुमन इनफर्टिलिटी में सुबह शाम डॉक्टर ने दिया हो, या दिन में ज़्यादातर 300 mg देखा गया कि एक ही होता है पूरे दिन में, और वहाँ पर थोड़ा लंबा दिया जा सकता है 2 महीने 3 महीने। या मिस गैरेजिंग की प्रॉब्लम में है, यानी बच्चा लग चुका है और बच्चा मिस गैरेजिंग ना हो जाए, तो वहाँ पर हो सकता है कि पूरे 9 महीने लेना पड़े या 3-4 महीने कंटिन्यू लेना पड़े, पहले मंथ से स्टार्ट हो जाए। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि भाई प्रॉब्लम आपको किस टाइप की है, तो डोज कम ज़्यादा हो सकती है। अलग अलग महिलाओं में डोज अलग अलग होती है और ड्यूरेशन भी अलग अलग हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा लंबा चल सकता है, कुछ मंथ लगातार चल सकता है, तो अगर डॉक्टर ने दिया है तो घबराने की बात नहीं है। कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि मुझे डॉक्टर ने 3 महीने के लिए दिया है, 4 महीने के लिए दिया है, 9 महीने के लिए दिया है, तो बड़ा घबरा जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर ने जब दिया ना तो ले लेना है। अच्छा, बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा इसको लेने के बाद चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, हेयर लॉस भी महिलाओं में देखा गया है, विजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, यानी स्पॉट लग सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और नोजिया वगैरह ये हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, ये और थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट भी कर सकता है। ज़्यादा साइड इफेक्ट हो तो हमेशा डॉक्टर को बताना चाहिए। तो भैया संपूर्ण रिव्यू था सी होप 300 कैप्सूल के बारे में।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।